पोल मलखंभ में जाकर के बिना विशेष प्रयास के सहजता के साथ बैठ जाता है। वो जो सिखाने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम है, आज का जो ये सेशन रखा गया है पहला सेशन है जिसमें पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के बीच मेरे ख्याल से, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक्टिव पालक हैं जो इतने छोटे बच्चों को ऐसे गेम्स में आगे लाने के लिए आप लोग सब लोग मैदान में हर बच्चे के नाम एक एक पोल होगा, उस बच्चे को उस पोल को अपने नाम में करने के लिए वो पसीना बहाना है, वो मेहनत दिखाना है कि वो कलकम वो उसके नाम कर सके। और निश्चित ही ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, जो हम जो कह रहे हैं वो पूरा होगा और होगा ही, हमारा प्रयास जारी है और इसमें सभी पालकों का सहयोग हमको निरंतर मिल रहा है और आगे भी अपेक्षा है कि पालकों का सहयोग हमको मिलता रहे। नारायण सिंह मनोज सर को जब से जाना, मनोज सर ने जब से छोटा केबीर के बच्चों को सिखाना आरंभ किया, मेरी जानकारी में मलकम पहले मैं बहुत कुछ या कहूं कि बिल्कुल भी ना के बराबर जानता था, तो मलकम के रूप में मैंने जाना कि मनोज सर मलकम को जिस हिसाब से यहां पर शुरुआत किए और आज जैसा सर ने बताया कि महाराष्ट्र हमेशा से चैंपियन हुआ करता था और वहां पर हमारे बच्चे यहां अबुझमाड़ के बीहट क्षेत्रों से जाके और एक मुकाम हासिल किया और उनको परास्त किया और गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल बहुत सारे मेडल जीते, तो तब हमारा इंटरेस्ट बढ़ा, रुझान बढ़ा और हम देखे कि फिर यहाँ ग्राउंड में भी मतलब आम बच्चों को भी कोटा के बीच से बाहर निकल के मनोज सर ने सिखाना प्रारंभ किया, तो हमको भी लगा कि हम अपने बच्चों को क्यों ना भेजें। और जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो हमको इतना तो भरोसा है कि मनोज सर के माध्यम से, मनोज सर के प्रयासों से और यहाँ जिला प्रशासन और मंचस्थ जो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं उन सबके प्रयासों से हमारे ये जो मैट में बच्चे बैठे हैं, हमारे नारायणपुर के बच्चे बैठे हैं, ये भविष्य में बहुत बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करेंगे और देश में अपने नारायणपुर जिले का, अपने पालकों का और सभी सहयोगी मंचस्थ अधिकारियों का नाम रोशन करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेज रहे हैं, तो आज के परिवेश में जैसा आप सभी ने कहा है कि खान पान की वजह से या माहौल की वजह से बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं और गलत खान पान की वजह से शारीरिक दुष्परिणाम सामने आते हैं, तो हर पालक यही चाहता है कि सभी के बच्चे अच्छे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और उनका भविष्य अच्छा बने और वो एक सही रास्ते पर चले। तो एक खेल ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अनुशासन और शारीरिक शक्ति जो हमको चाहिए बच्चों के लिए वो यहाँ पर मिलता है और बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर भी हम अपने बच्चों को यहाँ इस मलखम खेल में भेजते हैं और जो ये अभिजमान मलखम एकेडमी है ये यहाँ एक वरदान के समान हमारे लिए। आने के पहले सुबह 9 से 10 बजे उनका टाइम था उठने का, वो अब मलखम में आना प्रारंभ की है, तब से जो है अपने समय में उठ जाती है, जग जाती है और अपना पूरा सेटअप तैयार करके मलखम के लिए आते हैं और इंटरेस्ट से आते हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती भेजा जाता है, उनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से करते भी हैं और अच्छा लगता है मुझे भी कि अपने मन से कुछ कर रहे हैं। मैं बच्चों को यही आग्रह करूंगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई को भी ध्यान देना है, पढ़ाई के साथ साथ खेल जितना समय